हेलो पीपल वेलकम टू सी पी क्लासेज प्री मिक्स में आज हम पांच एम सी क्यूज़ की बात करेंगे विच आर बेस्ड ऑन द मल्टीलिटरल इंस्टीट्यूशन जो एशिया में बेस्ड हैं तो पहला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्सट ऑफ ए आई आई बी जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ए आई बी के जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वही उसके बोरोइंग मेंबर्स भी हैं एंड ये पहला ऐसा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसमें ये जो कंडीशन है वो हो रही है एंड दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि 75 परसेंट के अराउंड जो कैपिटल है वो सिर्फ एशिया से ही जुटाया हुआ है ए ने तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका करेक्ट आंसर है सी बोथ वन एंड टू तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जानते हैं कैसे यूजअली जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इनको सेटअप करती हैं या इनकी फंडिंग करती हैं एंड इन टर्न दीज इन्वेस्ट दीज डेवलपमेंट बैंक्स दे एक्सटेंड लोन्स टू द डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बट ए आई आई बी में क्या है कि क्योंकि एक तो जो डेवलपिंग नेशंस ने मिलकर ही इसको बनाया है तो दैट इज़ वाई मेजरली जो इसके मेम्बर्स हैं वही इसके बोरर्स भी हैं एंड सेवेंटी फाइव परसेंट के अराउंड जो कैपिटल है वो एशिया से है वेर एज जो बचा हुआ कैपिटल है दैट इज फ्रॉम नॉन एशियन रीजन जैसे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ईस्ट अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ठीक है जी एंड इंडिया लार्जेस्ट बोरोअर है ऑफ ए आई आई बी सिंस द टाइम द बैंक केम इन टू बीक ठीक है जी टू थाउजेंड फोर्टीन के अराउंड चाइना ने इसको बनाया था इन बीजिंग अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्सट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इस क्वेश्चन uh, के कॉन्टेक्स्ट में कि ए डी बी ने ही रिसेंटली मसाला बॉन्ड्स को लॉन्च uh, किया है लिस्ट किया है ऑन बोथ इंडिया इंक्स एंड लक्जम्बर्ग एक्सचेंज सो इंडिया इंक्स एज यू नो इज़ द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज तो दोनों एक्सचेंजेस पर ए डी बी ने मसाला बॉन्ड्स को लिस्ट किया है पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ए डी बी की जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर वर्न यानी ए डी बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पैसे एक्सटेंड करती है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट्स तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यू कैन पॉज करेक्ट आंसर है इसका ए तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरी स्टेटमेंट गलत है जानते हैं कैसे सो ए डी बी ने रिसेंटली टेन ईयर्स मसाला बॉन्ड्स को लिस्ट किया है ऑन लग्जम्बर्ग एक्सचेंज एंड इंडिया इंक्स ठीक है जी एंड इंडिया इंक्स के कॉन्टेक्स में भी अगर हम देखें तो ये पहली बार हुआ है कि किसी फॉरन फॉरन ईशर ने जो कि एक सुप्रा नेशनल एंटिटी है उन्होंने प्राइमरी प्राइमरी लिस्टिंग के लिए इंडिया इंग्स को चुना है एंड जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि ए के जो प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशन हैं वो कुछ थ्री बिलियन के अराउंड हैं टू का डेटा है हमारे पास विच वॉज़ अराउंड विच सॉ अराउंड थर्टी सेवन परसेंट इंक्रीज बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वो फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट ही हैं उसकी टोटल ओवरऑल कमिटमेंट की तो बाकी कमिटमेंट इज़ नॉट इन द प्राइवेट सेक्टर अब वो पब्लिक सेक्टर में हो सकती है या डाइवर्सिफाइड हो सकती है उतनी डिटेल हमारे पास नहीं है लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर तो uh, काफ़ी कम है एज़ कंपेयर टू द नॉन प्राइवेट सेक्टर तो इसीलिए दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी होती है गलत आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ विच इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक तो पहली स्टेटमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो इसकी मेंबरशिप है वो सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए रिजर्वड है एंड दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो इसकी क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू द वेटेड एवरेज ऑफ इट्स मेम्बर्स कि जो मेम्बर्स की इंडिविजुअल मेंबर्स की अगर हम एवरेज लें क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग की तो एन की रेटिंग उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें इन दोनों में से कौन सी आपको बताना है एंड द करेक्ट आंसर इज़ टू ओनली तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है पहली स्टेटमेंट गलत है तो पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि जो एन है उसमें Uh, बाकी कंट्रीज भी नॉन एशियन कंट्रीज या नॉन ब्रिक्स कंट्रीज भी मेंबर्स uh, बन सकते हैं नॉन एशियन तो नहीं सॉरी नॉन ब्रिक्स कंट्रीज बन सकते हैं लेकिन जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं कलेक्टिवली उनकी जो वोटिंग पावर है वो 55 परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए तो लेकिन कोई ऐसे uh, बार नहीं है कि ब्रिक्स uh, के अलावा मैंबर्स नहीं बन सकते तो कोई भी यू एन स्टेट इसकी मैंबर बन सकती है इसीलिए पहली स्टेटमेंट गलत थी दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एन की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा सिग्नीफिकेंटली अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द वेटेड एवरेज ऑफ इट्स मेम्बर्स जैसे इंडिया की जो रैंकिंग है इट इज़ ट्रिपल बी माइनस इन्वेस्टमेंट ग्रेड में एंड साउथ अफ्रीका की वन रेटिंग है चाइना की ए प्लस है ब्राज़ील की सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड में है एंड रशिया इज़ ट्रिपल बी प्लस तो इन सब के कंपैरिजन में एनडीबी की रेटिंग क्या है इट इज़ ट्रिपल ए तो इसी वजह से uh, अगर हम देखें तो अगर वेटेड एवरेज भी लें हम इन सब की तो एन की रेटिंग फेज वेरी वेल इनफैक्ट ये वन ऑफ द टॉप रेटिंग्स है एंड ये जो रेटिंग है वो जैपनीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दी है एन को ठीक है जी इसके अलावा भी जो दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी एन को काफ़ी अच्छी रेटिंग दी हुई है तो ये पहला ऐसा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके सभी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वही मेंबर्स हैं एंड उस उन सब में से एन को ट्रिपल ए रेटिंग मिली है तो ये इस वजह से भी एक काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है बिकॉज अदरवाइज जो भी कोई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जिनकी इतनी हाई रेटिंग है अगर कोई है तो उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं या तो यूनाइटेड स्टेट्स है या जापान है या कोई यूरोपियन कंट्री है तो एन की तो कोई भी जो ई ना तो ई कोई मेंबर स्टेट है एन का ना जापान है ना यू है इन सब के एबसेंस के बावजूद भी एन की रेटिंग इज़ वेरी गुड फोर्थ क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट्स पब्लिश तो आपको बताना है कि एशिया बॉन्ड मॉनिटर फ्यूचर थिंकिंग इन एशिया एंड पैसिफिक एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ये तीनों जो रिपोर्ट्स हैं इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट हैं आपको बताना है करेक्ट आंसर है इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक तो ये जो तीनों रिपोर्ट्स हैं ए डी बी निकालता है इसके अलावा जो यू एन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक ये दो रिपोर्ट्स निकालता है अदरवाइज दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं लेकिन मेजरली ये फेमस हैं तो एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिपोर्ट है एंड अनदर वन इज़ एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ए आई आई बी कौन सी रिपोर्ट निकालता है दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लास्ट क्वेश्चन आज का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आई आई एफ विच इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सो आपको बताना है कि इन इंस्टीट्यूशन में से रिसेंटली ही एन आई आई एफ का जो फंड ऑफ फंडस है उसमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टर की तरह पार्टिसिपेट करने का जो ऑफर है वो दिया है कमिटमेंट की है सो यू कैन पॉज करेक्ट आंसर है इसका ए सो ए आई आई बी एंड ए डी बी दोनों हंड्रेड मिलियन के अराउंड जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे इन द हार्ड कोरोना टाइम्स एन आई आई एफ़ के बेसिकली तीन फंड्स हैं फर, फर्दर आगे एन आई आई एफ क्या है इट इज़ इंडिया सॉवरन वेल्थ फंड तो इट वुड बी मोर ऑफ एज अ फंड ऑफ़ फंड्स यानी आगे फंड्स को पैसे देगा ये एंड इसमें तीन uh, फर्दर फंड्स हैं जो एन आई आई एफ मैनेज करता है फर्स्ट वन इज़ द मास्टर फंड फिर हमारे पास फंड ऑफ़ फंड्स हैं एंड द थर्ड वन इज़ स्ट्रेटिजिक फंड ठीक है जी सो ए डी बी एंड ए आई आई भी दोनों हंड्रेड मिलियन का इक्वलेंट इन्वेस्ट करेंगे एन आई आई एफ़ के फ़ंड ऑफ़ फंड्स में सो दैट इज ऑल इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द क्वेश्चन अब जाते जाते लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट द यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग सबसे पहले अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो हमारा पी सी एम बैच है जिसमें हम विद आंसर एवेल्यूएशन एंड विदाउट आंसर एवेल्यूशन दो कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं एंड ये जो दोनों कोर्सेज हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में भी अवेलेबल हैं ई एम आई के थ्रू अवेलेबल हैं ठीक है जी इसके बाद अगर आप ऐसे बैच की बात करें तो ऐसे बैच uh, के साथ साथ हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड सोशलोजी ऑप्शनल ये तीन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं एंड इसके बाद कॉम्बिनेशनस भी अवेलेबल हैं इन सभी में से जैसे अगर आप पी सी एम विद ऐसे यानी जनरल स्टडीज़ एंड ऐसे लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है या फिर अगर आप इनमें से ही कोई यानी पोलिटिकल साइंस एंड सोशलोजी में से कोई ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं विद ऐसे चूज़ करना चाहते हैं विदाउट ऐसे चूज़ करना चाहते हैं तो वो सभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं ठीक है जी इसके अलावा आप प्रिलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है विद वीडियो सोल्यूशन एंड विदाउट वीडियो सोल्यूशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हैं सो दीज़ आर द ऑफर्स एंड इफ़ यू विल बी परचेजिंग बिफोर एटीनथ में हम डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं तो अगर आप इनमें से किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डब्ल्यू पर जाकर टारगेट 2021 में ये जो कोर्सेज हैं लिस्टेड होंगे तो वहाँ पर जाके आप परचेज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप 2020 uh, कि जो हमारा अटैम्प्ट है इसकी बात करें तो हम आंसर राइटिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर चुके हैं आज मंडे का पहला ही दिन था इसका तो आप 24 जो मेन्स टाइप आंसर्स लिखेंगे इस कोर्स में तो इसकी भी डिटेल्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम काफ़ी नॉमिनली जो है प्राइसड है हमारे कोर्सेज तो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट एफर्ट एंड परचेज द कोर्स डेट अपील्स यू द मोस्ट सो दैट इज़ ऑल थैंक यू